कोरोना टीका को नहीं विवाद भितर आसला केन्द्रमंत्री प्रताप षडंगी बयान। केवल बिहार नुहे सारा देश में मगणारे दिजो कोरोना टीका, ओडिशा रे मगणा टीका देवा नहीं कहीं घोषणा करूना प्रश्न करते राजस्वी। पूर्वतन केन्द्रमंत्री दिलीप राय को दंडादेश पर मिला जमिन 1,00,000 टंका, जड़े जमीनदार बदल में बेल। 1999 झारखंड कोल ब्लॉक आवंटन मामलें 3 वर्ष दंडादेश शुणाई स्वतंत्र सीबीआई को। दादाबटी आदाय अभियोग में 6 सांबादिक गिरफ्त, 2 कार, 4 बाइक सह 31,000 टंका जबत। एक घी कंपनी मालिकों ठू किस्ती किस्ती कर 1,30,000 टंका। देश में द्रुत गति में कमुची कोरोना संक्रमण, सप्ताह पर 16% कमी नुआ मामला, मृत्यु संख्या 19% ह्रास। राज्य में 1500 तौक खसला कोरोना संक्रमण संख्या, 24 घंटा 1480 नुआ आक्रांत। सफल है विरल अस्त्रोपचार, महिला पेटर बाहर 57 केजी ट्यूमर। राज्य में गौरव आणले खोर्धा कुहुड़ी साई सेवा सदन चिकित्सक। आज मंडपे मां दुर्गा दशमी पूजा, परदा पक्षपटे चली देवी आराधना। कोरोना कटका जो फिका फिका पूजा, खाँ खाँ लगुच मंडप। श्रीमंदिर रत्न सिंहासन में राजराजेश्वर विषय शोभा पाँच महाप्रभु। नमस्कार, ओडिशा दीप्रहर को स्वागत। कोरोना टीका को नहीं विवाद भितर आसी केन्द्रमंत्री प्रताप षडंगी बड़ बयान। केवल बिहार नुहे सारा देश में मगणारे कोरोना टीका दिजो से एथिपाई प्रधानमंत्री पूर्वर घोषणा करने पांठि व्यवस्था कर सूचना देते। बिहार में मगणारे टीका देवा बीजेपी इस्ताहार घोषणा कर प्रसंग में सेठी निर्वाचन थिबारु इस्ताहार प्रकाश कर ओडिशा रे मागणा टीका देवा प्रसंग में दुई केन्द्रमंत्री कहीं चुप बोली गतकाली सीरीज ट्वीट कर प्रश्न करते राजा स्वाई। प्रथम रु प्रधानमंत्री भी क्लीयर कर सारे सारा भारत वर्ष टीका मागणा जीव से आर्थिक व्यवस्था अच्छी किंतु सेठी गोटे बिहार में निर्वाचन इस्तार ये निर्वाचन न थी निर्वाचन इस्तार प्रकाश होना कौन जो निर्वाचन अच्छे निर्वाचन इस्तार प्रकाश है कि प्रधानमंत्री विराट फोरम कही सारी भारत वर्ष सारा समस्त मगणारे टीका दिज्व। आज देश में आम समस्त पशु मान टीकाकरण मगणारे करम सरकार पैसा पछुंचा देना ठीक से भी मनुष्य मान को भी समस्त टीका दिज्व। टीका आसवा पर तत्काल टीका आरंभ हो। पूर्वतन केन्द्रमंत्री दिलीप राय को दंडादेश पर मिला बेल। जड़े जमीनदार 1,00,000 टंका जमीन में बेल मिली। तेज 1999 झारखंड ब्रह्मातिया कोईला खणि आवंटन मामल में आज 3 वर्ष जेल दंडादेश देते स्वतंत्र सीबीआई कोर्ट। अन्य दुई दोषी को जमीन मिली, से 3 वर्ष लेखाएं दंडादेश देते कोर्ट। केन्द्र में अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में कोईला मंत्री भाव थे दिलीप राय निर्दिष्ट कंपनी अनुकंपा देखा खणि बंटन कर मामलें स्वतंत्र सीबीआई कोर्ट कोईला मंत्रालय दुई पूर्वतन अधिकारी प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्यानंद गौतम और क्राफ्टोन टेक्नोलॉजी लिमिटेड निर्देशक महेन्द्र कुमार अग्रवाल को दोषी सब्यस्त कर। झारखंड किरीटीह स्थित ब्रह्माटिका कोईला खणि अनियमितता होता से अभियोग करते। सीटीएल कंपनी को एक खणि देवाई तत्कालीन मंत्री बेआईन भाव सुपारिश करते कोर्ट कहते। कंपनी 1998 मे मस खणि आवेदन करता किंतु कोल इंडिया दीर्घ दिन पड़ रही खणि पा भरी रही खनन कले विपज्जनक हो खणि मंत्रालय को सूचना देता। यह फाइल 1999 एप्रिल और मे मस दुई थर मंत्री पाखक जा सीटीएल कंपनी को प्रदान करने को निर्देश देते। वेब चैनल सांबादिकों को महंगा पड़ा दादावटी मांगा, 7 जन को गिरफ्त करी कोर्ट चालान कला कमिश्नर पुलिस। एने भुवनेश्वर डीसीपी उमाशंकर दास सांबादिक सम्मेलन करी सूचना देखते तमांडो थाना अंतर्गत एक घी कंपनी मालिकों संस्था रेड कर भय देखा एमाने 3,00,000 टंका दावी करते। प्रथम किस्ती में 99,000 और पर 31,000 टंका नहीं समस्ते निजक सांबादिक एक वेब चैनल बूम देखा टंका नहीं। एने तमांडो थाना अभियोग पर तदंत कर सांबादिकों को गिरफ्त कर पुलिस से निकट नगद 31,000 टंका, 2 कार, 4 बाइक जबत हो।
पहर दिन तमांडो अंचल जड़े व्यवसायी एक छोट व्यवसाय संस्था करते से सात जन व्यक्ति जबरदस्ती पशिक भंगारुजा करी से व्यवसायी को धमक चमक देकि 99,000 एवं गोटे किस्ती एवं नेक्स्ट 31,000 टंका फोन रे ट्रांसफर करेले से माने निज को तथाकथित मीडिया रो काम करछन्दी बोली कहिले से माने से माने कंप्लेंट पाइला परे केस रजिस्ट्रेशन करा जाय कि तदंत करा गला तदंत रो जणा पड़ला किछि वेब चैनल जो अछि सेथिरे माने बिना रजिस्ट्रेशन वेब चैनल खोल थिले एवं वेब चैनल रो नाम नै कि विभिन्न समय ने विभिन्न जगह धमक चमक दौले इनसीडेटा रिसेंट सबुठ जहाँ फल छज को आज गिरफ्त कर कोर्ट फरवर्ड कर बाकी जो मैंने अच्छा संप्रक्त तदंत चली खूब शीघ्र से गिरफ्त कर व्यक्ति मान दुईट कार एवं चार बैक 31,000 टाँचा कैश रिकवरी कराई मोबाइल फोन जबत कराई ऑफिस इत्यादि विभिन्न स्थान में तदंत जारी रही। राज्य में कोरोना ग्राफ तलमुहा 1500 तौक खसला आक्रांतों संख्या गत 24 घंटा रे राज्य में 1480 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती संगरोधु 858 जन थे स्थानीय अंचल 622 आक्रांत चिन्हट होती दैनिक संक्रमण तालिकार आज खोर्धा कटक जिला पछरे पक अनुगुल मयूरभंजु सर्वाधिक आक्रांत चिन्हट होती अनुगुल 141 जन चिन्हट होता बेले मयूरभंजु 113 खोर्धारु 110 जन कटकु 106 जन आक्रांत चिन्हट होती आज संक्रमण को मिसाई मोट संक्रमण संख्या 282,695 पहुंची सुस्थ होती 264,102 जन एवं सक्रिय अच्छा 17,281 जन सेपटे 24 घंटे 14 जन चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु होती। देश में द्रुत गति में कमुची कोरोना संक्रमण पूर्व सप्ताह तुलना रे शेष सप्ताह रे 16% ह्रास पाई नुआ मामला सेहीपरी कोरोना जनित मृत्यु संख्या 19% ह्रास पाई 12 अक्टोबर 19 रु 25 तारीख मध्य 360,000 नुआ संक्रमित चिन्हट होती जहाँकि तीन मास मध्य सर्वनिम्न कहपूर्व जुलाई मस 20 रु 26 पर्यंत गोटे सप्ताह सर्वनिम्न 320,000 आक्रांत चिन्हट होते तापरे बढ़ी बढ़ी चलता कोरोना संक्रमितों संख्या अक्टोबर 12-18 मध्य 4,29,481 अक्टोबर 5-11 मध्य 4,95,649 सेप्टेम्बर 28 अक्टोबर 4 मध्य 5,50,545 सेप्टेम्बर 21-27 मध्य 5,99,719 सेप्टेम्बर 14-20 मध्य 6,40,019 सेप्टेम्बर 7-13 मध्य 6,45,000 नुआ मामला सामना को आसा अनेपटे गतकाली सुधा देश में कोरोना सुस्थ हार संख्या 90% अधिक होपटे गत 24 घंटे देश में 45,149 नुआ आक्रांत चिन्हट होता बेले 480 जन मृत्यु होती मोट संक्रमितों संख्या 79,960 पहुंची बेले मृत्यु संख्या 1,19,014 पहुंची। मंडपे विराजमान महामाई चली दशमी पूजा ब्राह्मणों मंत्रोच्चारण से सृष्टि स्वतंत्र आध्यात्मिक परिवेश मांग चलित बर्षर आज शेष पूजार दिन देवी धरा पृष्ठ विदाय ने किंतु भक्त दर्शन वंचित रही धरापृष्ठ से अवतरण करिछंती महिषा मर्दिनी महापीतिर महामाया पूजा करा जाउछि पीठरे दशमी पूजा संपन्न होता बेले मंडपे आज मृण्मयी मूर्ति हेप महादशमी नीति अनुष्ठित होइछि तेबे कोरोना कटकणा पई फीका पड़ी चलित बर्षर दुर्गा पूजा बिना भक्त परदा पछरे संपन्न होउछि पूजा नीति मंडपे मात्र 7 जन रहिबा व्यवस्था रहितबारु आयोजक कमिटी समस्त सदस्य मध्य मंडप पाखरे रहिपारु नाहंती अन्यपटे केतक स्थान रे ऑनलाइन माँ को दर्शन व्यवस्था करा जाइछि तेबे मंडपे माँ को दर्शन और पूजा अर्चनार वंचित होउछंती श्रद्धालु फल किसी भक्त निराश हो कांदी पकाइबार चित्र मध्य देखिबाक मिलिथिला।
श्रीमंदिरे आज पालन होउछि विजया दशमी। रत्न सिंहासन रे राजराजेश्वर बेसरे शोभा पाउछन्ति महाप्रभु। हेले कोविड कटकणा जोगु ई दुर्लभ बेस दर्शनरु वंचित होइछन्ति श्रद्धालु। प्रत्येक वर्ष विजया दशमी रे महाप्रभुंक राजराजेश्वरी बेस होइथान्ति। सेबटा आजिठारु आरंभ होउछि नागार्जुन बेस। तेबे बेस कारीगर माने तयार करिबे बेस। नवेम्बर 27 रे महाप्रभुंकर नागार्जुन बेस आरंभ हेबो। आज पवित्र विजया दशमी महाप्रभुंकर रत्न सिंहासन राजराजेश्वर बेश अनुष्ठित होता बेले अंपटे नवेम्बर 27 रे महाप्रभु नागार्जुन बेशर मध्य प्रस्तुति पर्व आरंभ हो शुद्ध पुत भावे जब श्रीमंदिर आज्ञामाला आसवाप जो मालामहार्द आसवापर ये समस्त विधि मुताबक ये कार्य करी नागार्जुन बेशर सेवायत अच्छा पर बेश जीव आम सीधा साल आलोचना करवा आज आपणक जो महाप्रभु नागार्जुन बेश आज शुद्धपूत भावे आपण मैंने जो यज्ञ होम करापर प्रस्तुति आरंभ कर आज आज्ञा प्रस्तुति आरंभ कर ये विगत एक मस चल एक मस भेष संपन्न कर मैडम आपत खुशी जेहतु आपण पर नागार्जुन बेशटी महाप्रभु जीव दुर्लभ बेशटी बहुत खुशी लगला आम भाव नीत सुंदर हो पार हम कि आशा करते आपार नागार्जुन बेश महाप्रभु जीव दुर्लभ बेश पूर्व जाऊला मुझे शुणी एक्चुअली आमर देस ते मो शाशु देहांत हो गला से मत बहुत कथ कही केमती हम कौन हम बहुत किसी शाशु आज आम गोटे खीरी काकेरा भोग हबार से आम आज हो पारे जेहेतु आम शुक्र अच्छे बर्षे जाए आम घर हेनी कौन सी घी पिठा सीटा आम बंद हो गला तापर आम घरे भी बाजि था आज तेलिंगी बाजा से घरे बाजि पार्लानी शुभ बाद्य बाजाए ये बाजिला बाजा जहाँ भी हो बहुत खुशी से कि रही से गोटे दुख लगुच देस तेल कॉविड्रे देहांत हो गला बहुत खुशी आम आलोचना करते कि खुंटिया जो सेवायत जीते विशेष भाव जो भेष कारीगर थे आम सहित आलोचना करवा कौन कहे जो आज भेष प्रस्तुति आरंभ करा महाप्रभु को मालामहार्द आसापर शुद्धपूत भाव ये पूजार्चना करा दीर्घ गोटे मस धरी शुद्धपूत भाव रही किसी कार्य करेंगे हाँ देखो आम महाप्रभु जेहतु दुर्लभ बेशे याचु एमें बहुत बड़ मानते धन्यवाद देवाक चाहूँ बलराम खुंटिया सी आमको सुजोग दे बेश बहुत कृतज्ञता जनाऊु जे आशीर्वाद जगन्नाथ आशीर्वाद हेतु आम महाप्रभु बेश दुर्लभ बेश सुजोग मिल लगी उपकरण ये बेशर मुख्य हूँ हांडिया दाढ़ी कलिकी विभिन्न प्रकार हथियार जहाँ को आम कहते खंडा बांकछुरी कटारी रजगदानी ढाल बार्छा ये सब जिससे आम सोलर या सहित घंटी और बड़ फूल या सब करें भेष दिन महाप्रभु गोटे गोटे कर श्रीमंदिर पैठ कर आलोचना करते भेष कारीगर आलोचना करते विशेष भाव बड़ा कौन कहे जेहतु आपण मैंने जो से जो उपादान श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष कौन मिलता है आपन को श्रीमंदिर प्रशासन तरफ आमको आज्ञा मिलता है आम गोटे चिठी आकर भेष करने परमिशन चिठी आकर कते वर्ष पर आपार पुणी भेष फेरी आस तेयानबे चौरानबे मसीह लास्ट भेष होता भेष हो नाला 25 वर्ष 26 वर्ष पर भेष पुणी फेरी आस फेरी आम घर भेषा आम 200 वर्ष देखिए भेष कर निहत पक्षे आम आलोचना करते विशेष भाव बलराम खुंटिया जीते धर्मपत्नी थे जे किभ भाव में पर जितने भेषटी आसी बहुत खुशी और जेहेतु महाप्रभु ये दुर्लभ भेष पर मिले कहुए जो तर पूर्वपुरुष भेष आसी कर मझे किसी समय पर किसी वर्ष पर जो बापा देहांत पर भेष बंद रही जा चलित बर्ष श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष भेष करने अनुमति देवापर आज महाप्रभु को पवित्र दिन में राजराजेश्वरी बेश गोटेपटे महाप्रभु रत्न सिंहासन राजराजेश्वरी बेश अंपटे महाप्रभु को नागार्जुन बेश प्रस्तुति कराक नहीं बेस खुशी अनुभव कर बलराम खुंटिया धर्मपत्नी समय ही जाइए ब्रेक रहा। परदा पछरे माँ परदा आगरे महाशून्य बिना भक्तरे कोविड नियमरे चली माँ को पूजा खाँ खाँ पूजा मंडप पूर्व भली चलित बर्ष माँ को दर्शन करी पारु नाहंती श्रद्धालु।
କଟକ ନିଆଳି ବିଳାସିନୀ ଗାଁରେ 8 ବର୍ଷ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଓ ପୂଜକକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ପୂଜା। କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସେବାୟତ ଓ କର୍ତ୍ତା ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବିଳାସିନୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଭକ୍ତରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛରେ ଯେଉଁ ଅଛି ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ମାଆ ଯେଉଁଠୁ ଏଇଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରଦା ରଖାଯାଇଛି ପରଦା ପଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହେଉଛି। ଯେଉଁ ପରଦା ରହିଛି ପରଦା ଭିତରେ ମାଆ ରହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଭକ୍ତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପୂଜା କମିଟିର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଟିକିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେତେ ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଜି ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର କୋଭିଡ଼ରେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି? ଏ ମାଆଙ୍କ ବିଳାସିନୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି, ଆଜି ମାଆଙ୍କ 9ମ ବର୍ଷ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇ ଯେ ବିଳାସିନୀ ପଞ୍ଚାୟତର ନିଆଳି ବ୍ଲକର ବିଳାସିନୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକମାତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ସାରା ବ୍ଲକରେ ଫେମସ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଦର୍ଶକ ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ସେଇ ନିୟମ ମାନିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛୁ। 5ରୁ 6 ଜଣ ବି ଏଠି କମିଟିର ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପୁରା ସବୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଚାରିପଟୁ ଟୋଟାଲ୍ ନିବୁଜ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟାଏ ପଟେ ବାଟ ରହିଛି, ସେଇପଟେ ଆମର ଭାଇନା ଯିବେ, ଆଉ କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ଏଠି ପୂଜା କାମ କରାହେଉଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ବିଳାସିନୀର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଟିକିଏ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଯେହେତୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାହେଉଛି? ମାନମଞ୍ଜନ ବେହେରା, ସରପଞ୍ଚ ବିଳାସିନୀ। ପୂଜାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଳି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏକ କଡ଼ା ଡାକରା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଡାକରାରେ ଇଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଦେଇଥିଲେ ନିୟମାବଳୀ, ଯେଉଁ ନିୟମାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିକିରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ 7 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉଠିବେ ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କର ତିନିପଟେ ବନ୍ଦ ରହି ଗୋଟେ ପଟେ ଖୋଲା ରହୁଥିଲା। ଆଜିକି ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ 9ମ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁଠୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କଥା ଏବଂ ନିଆରା ଏଠି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଆମର ଯେ ଇଏ ସାରା ବ୍ଲକରେ ବା ବ୍ଲକ ନୁହଁ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁଠୁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଗୋଟେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ରାବଣ ପୋଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି 50-60 ଫୁଟର ରାବଣ ହୁଏ ଏବଂ ଅତି ଚମତ୍କାର ହୁଏ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି। ପିଲାମାନେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରମ ଦେଇକରି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହକାରେ କରନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କୁ ସେଇଠି ରହି ଦୀପ ଜାଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏ ମହାମାରୀ କରୋନା କେମିତି ହଟିବ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ଜାକଜମକରେ ଏଇ ପୂଜା କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମାଆଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଯେଉଁଭଳି ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଆଳିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜୀବନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାପ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବର ଆଜି ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଦିବସ। ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କ ଦଶମୀ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ମାଆଙ୍କ ଦଶମୀ ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀ, ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ପୂଜା ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ହେବ ବିସର୍ଜନ ପୂଜା। ଦୀର୍ଘ 5-6 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା, କିଭଳି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ କିଭଳି ପରିବେଶ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ନନା, କ'ଣ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ 5-6 ଦିନ କି ଆଉ ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏଠି ଷଷ୍ଠୀ ଦିନରୁ ବିଲ୍ୱବରଣ ଠାରୁ ଦଶମୀ, ଆଜି ହେଉଛି ବିଜୟା ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ମାଆଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା। ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ବିଲ୍ୱାଧିବାସ, ସପ୍ତମୀ ଦିନ ମାଆଙ୍କର ଘଟ ନିମଜ୍ଜନ, ସପ୍ତମୀ ଦିନ ମାଆଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ବିହିତ ପୂଜା, ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଏବଂ ବଳିଦାନ ସନ୍ଧି ପୂଜା, ଏବଂ ନବମୀରେ କାଲି ମାଆଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସରିଯାଇଛି। ଆଜି ଦଶମୀରେ ଅପରାଜିତା ପାଠ, ଅପରାଜିତା ପୂଜନ ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ଘଟ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ପୂଜକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ରହିଛି ଯେ କି କରୋନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଭରି ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଖୁସିର ଦିନରେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆଜି ଭଳି ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ସମସ୍ତେ ହସଖୁସିରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା, ସିନ୍ଦୁର ଖେଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରାତନ ମଣ୍ଡପ, ପୂଜା ରୀତିନୀତି କେମିତି ହେଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କରୋନା ପାଇଁ? ନାଇଁ, କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ତ ନିୟମ ପାଳନ କରି ଆମେ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରେଇଛୁ।
खूब शांति श्रृंखला सहित करेचु मु विशेष कर अंचल सब अधिवासी मानक बहुत धन्यवाद देवी आपणम से पूरा संपूर्ण सहयोग कर किपर पूजाटी हो पार से आमको आसिकी जे भोग करवा कि आपणकर आज दिन सिंदूर आम व्यस्त करना कई भी आसी ना से गाइडलाइंस मानिकी तेणु आम खूब निष्ठार सहित सुंदर भाव में आम कोरोना गाइडलाइंस पाई आम पूजा पालन करवर्ष कौन के हाँ एवर्ष आम षष्ठी ठू आरंभ कर आज जाए सब निष्ठार सह पूजा कलु ब्राह्मण मैंने यथासम मंदिर भितर जो अनुमति थी चार पांच जन भितर रही आम से भितर रही पूजा करूँ कौन भक्त को आम मंदिर भितर प्रवेश देना जहाँ बाहर से रास्ता जेहेतु आम मेन रोड कड़े अच्छी लगिकी रास्तार जाए से आम तो आम सामने पर्दा भी लगे देचु से जी दृश्यमान हो दर्शन कर आम कहीं व्यस्त भी करना समस्त समस्त सहयोग कर भसाणी भसाणी आम कल तो आम करूँ भसाणी कौन निराडम्बर भाव में हम गाइडलाइन जहाँ अच्छी आम जिते संचल पारू सका सका आम भसाणी सारे शुणुले कि निराडम्बर भाव में भसाणी आसंता का माँ भसाणी उत्सव अच्छी जेहेतु कोरोना कटक रही समाज प्रति जो कोरोना जो भय रही है सब आड़ लक्ष्य रखिकी भसाणी से निराडम्बर करेंगे और आगामी वर्ष बड़ा धूमधाम करपत्ति जाजपुर प्रकाश राउत कनक न्यूज अनुगुल रे भी माँ दुर्गा निराडम्बर भावे पूजा चली विजया दशमी में लोके गाड़ी और दुकान पूजा करते तेरे कहीं दशहर से सब पूजा कराए कौन रही है पक्षर महात्म्य जानवापी चेषा कर प्रतिनिधि आज हूँ दशहरा एवं दशहर कहीं गाड़ी पूजा एने अधिक आलोचना करवा आम सहित अच्छा पूजक अच्छा आसतु सीधा सख सहित आलोचना करवा दशहर विशेषकर दशहर लोक मैंने जानवाहन पूजा करती घर पूजा करते कौन विशेषत्व रही आज पवित्र दिन में दशहरा अच्छा हरती दश पापम इति दशहरा दस टी पाप आम हरण होता है तेणुक नाम दशहरा बोली शास्त्र में वर्णना करूँ जो पचारे गाड़ी पूजा विषय कहीं ये जो शक्ति आम रही शक्ति मानी या भितर अच्छी इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति मन शक्ति ये सब जो शक्ति अच्छा भिन्न ये आम नौ दिन में नौटी रूप से आसते प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटे कुष्मांडे चतुर्थकम पंचम स्कंधमाती षठ कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता नौटी रूप से माँ मानकर आम मान प्रति आशीर्वाद स्वरूप आमे माने किभली माँ को शक्ति प्रदान पाइबा माँ को ठारु किछि आमे कौन ना आमे शरणापन्न होकर माँ को ठारु किछि आमे प्राप्त होगा तेणुक ये नवरात्र सब मिसिक दस दिन जोटा हुए दस दिन क्या अपराजिता पूजा आदि हुए अपराजिता स्वयं परम वैष्णवी गाड़ी पूजा विषय जो कहले गाड़ी के शक्ति ही आम जो गाड़ी पूजा करुचे काली क्या करुचे ना काली सी मध्य से शक्ति तेणुक शक्ति शक्ति उपासक हिसाब से आमर उत्कल शाक्त वैष्णव एवं शैव समस्ते अच्छा तेणुक ये पार्वण समयटा हूँ शक्ति उपासक जेहेतु शक्ति कार्य जेहेतु आम करे ये सब कौन ना क्रिया द्वारा आम जो कार्य गुड़ा सब करुचे ए गाड़ी मध्यम निश्चित भाव में गोटे वर्ष में आम कौन करुचे गाड़ी चलाउे कौटे आघात होती होती आम आप प्रथम कही लेंबू लेंबू दौचे लेंबू है कौन ना आम जो बड़ी दि जाऊँच आमर ये कुष्मांडा बड़ी दिगला गाड़ी आगे तो कुष्मांडा दे पारानी से लेंबूटा कौन है ना समर्पण सेटा गोटे समर्पण हो गले कौन ना ठाकुराणी संतुष्ट हे से आम कौन करुचे ना लेंबू बड़ी आकार में समर्पण करुचे आमर कि आघात जनित जदि किसी आगक रही पाए तेणुक बड़ी मध्यम आम निशमन करदे प्रशमन करदे यहाँ ही विशेषता कि प्रकृत आज हूँ एक परम दिन जहाँ कि बहुत सौभाग्यर दिन आम मैंने आज माँ को शरणापन्न हो माँ अपराजिता जो भाई भाव में आम आज पूजा गला प्रारंभ रु ठाकुराणी प्रत्येक उपचार पूजा पूर्वक परम वैष्णवी अपराजिता पूजा एवं पाठ तथा होम एवं आज आज हूँ विसर्जन जहाँ आम आलोचना करूँ जो दुर्गा पूजा रे नवशक्ति अच्छा निजक एवं निजर जानवाहन को सुरक्षित रखापी दशहर जानवाहन पूजा करा जाए एवं जो लेंबू गाड़ी चले पूजा कलापर लेंबू चढ़ा जाए ता पछरे मस विशेषत्व रही अनुगुल प्रकाश प्रधान कनक न्यूज नजर पकड़ गोटे ताजा खबर उपर पारादीप समुद्र में बुड़ी रही ब्लाक्रो जहाज
पिटुही बुड़ा माछ धरा ट्रलर ट्रलर थिबा पांच जन को उद्धार करा दुई जन निखोज रही एपर्यंत से पत्ता मिलना खोजाखोजी जारी रही तेज 2009 सेप्टेम्बर 9 रु पारादीप 15 निकट समुद्र में बुड़ रही ब्लैक रोज पूर्वर मध्य जहाज जो एकाधिक ट्रलर दुर्घटनाग्रस्त होता खबर सामना को आसा तेज ट्रलर या पांच जन को उद्धार करतमान समय दुई जन निखोज अच्छा से खोजाखोजी करोसी प्रकार पत्ता मिलूनी एसबु भितर पूर्वर मध्य ब्लैक रोज रे अनेक ट्रलर माड़ हो दुर्घटनाग्रस्त होसबू भितर आज से दुर्घटनार खबर सामना को आसुची तेरे 2009 सेप्टेम्बर 9 रे पारादीप 15 निकट समुद्र रे एही ब्लैक रोज टी बुड़ी जाइला ब्लैक रोज रहस्य जानवाईक प्रकार अनुसंधान करु यार भितर यह ब्लैक रोज रे अनेक ट्रलर माड़ हाँ दुर्घटनाग्रस्त होगा खबर सामना को आसुची एसबू भितर आज ये एक दुर्घटना किंतु यही दुर्घटन जो ट्रलर में या पांच जन को उद्धार वर्तमान समय दुई जन निखोज अच्छा से खोजाखोजी से पता खोजापी खोजाखोजी जारी रही किंतु एसबू भितर जो सूचना आसी पहुँचुचे से कौनसी प्रकार पता मिलूना तेज ए संपर्क अधिक आलोचना पर प्रतिनिधि रश्मि रंजन चोड़ रश्मि रंजन कौन रही जो मैंने निखोज अच्छा जो दुई जन कथ कदार करने कौन सब कार्यानुष्ठान वर्तमान समय हाँ निश्चित देखते आज माँ मिनि नामक टलर मछ धरा समुद्र जाता जो विगत दिन जो ब्लाक जहाज दुहजार नौ मसीह बुड़ी जाता से बर्तन अभिशेवा देखा से जहाज में माड़ हो तलटी बुड़ी जाता जहाँ खबर आसला सात जन मत्स्यजीवी थे और पांच जन उधार होते जो अलग मत्स्यजीवी मान अच्छे जो डंगा साहब कि बोट साहबे से देखी पांच जन को उद्धार करूँ जहाँ खबर मिली दुई जन निखोज अच्छे कि प्रकृत सत्य सत्य जमा पड़ना जेहतु जो जो पांच जन उद्धार होती से बर्तमान जोजोग हो पारे से सहित अंपटे जो टलर मालिक रही सी अन्य बोट्रे समुद्र को जाइंट जो जो जगार टलर टे बुड़ जाए घटना सब जाने से खोजाखोजी कर खबर आ खोजाखोजी करने उद्धार कार्य जारी रही धन्यवाद रश्मि रंजन आप तमाम सूचना जम्मू काश्मीर पूर्वतन मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती त्रिरंगा विरोधी बयान को विरोध में बीजेपी प्रतिवाद बीजेपी पक्ष मेहबूबा विरोध में विक्षोभ प्रदर्शन कर जम्मू काश्मीर बीजेपी कर्मी त्रिरंगा राली करने पीडीपी नेता बयान को विरोध कर श्रीनगर ठारु कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पर्यंत त्रिरंगा राली करिछंती सेपटे जम्मू रे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना नेतृत्व में मध्य त्रिरंगा राली करा जायछि कुपाड़ा लालचौक ठारे बीजेपी कर्मी माने त्रिरंगा उत्तोलन करने को चेष्टा करथिले एहा परे पुलिस चारिजन बीजेपी कर्मी को उठाई नेथिला नजरबंदी मुक्त होबा परे केन्द्र सरकार को टार्गेट करने सह जम्मू में धारा 370 लगवा को दावी करते मेहबूबा गत शनिवार दिन कही जम्मू काश्मीर स्वतंत्र पता पुणि थे न फेर जाए से अन्य कौनसी पता धरवे ना आज के दिन माननीय मोदी जी की अध्यक्षता में सरकार ने 26 अक्टूबर को छुट्टी घोषित किया तो तत्कालीन महाराजा जी के सपने का जम्मू कश्मीर जो संपूर्ण भारत का हिस्सा था उसके ऊपर पिछले 70 वर्षों में 370 की यार्ड में 35-1 की यार्ड में कश्मीर केंद्रित जो पार्टियां थी जो अलगाव के प्रति बहुत ज़्यादा अपना प्रेम रखती थी जो पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम रखती थी चीन के प्रति अपना प्रेम रखती थी उनको उनका 370-35 हटने से धरातल खिसक चुका है उसका ही प्रत्यक्ष रूप है जो उनकी नरगल बयानबाजी चल रही है परंतु जम्मू कश्मीर के देशभक्त युवा ने आज के दिन सिद्ध करके दिखाया गली गली मोहल्ले चौराहों के अंदर तिरंगा लगा करके सिद्ध किया कि जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो देश के साथ खड़ा है वो भारत माता के साथ खड़ा है वो भारत की संप्रभुता को अपनी संप्रभुता मानता है और भारत की संप्रभुता के ऊपर अगर कोई कुप्रयास करेगा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का तो उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा ये बोलते हैं बार बार धमकी देते हैं इससे पहले जम्मू कश्मीर ने बहुत धमकी उनकी सुन ली अब नहीं सुनने के मूड में इस देश को ये धमकी देते हैं कि यहाँ पे तिरंगा नहीं लगेगा उनके झंडे के ऊपर लगेगा और लगाया है
जब जब क्वेश्चन करेंगे तब तब उनकी छाती में लगेगा। क्या कहना चाहेंगे उनकी राजनीतियों को? यही अपनी राजनीति करिए, डेमोक्रेसी है, पूरा हक है, आप कुछ भी बोले हम विरोध नहीं करेंगे। आप इस देश के संविधान को चैलेंज करेंगे, आप इस देश के झंडे को चैलेंज करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। जो दिल से माना जाता है कश्मीरी, आज हर एक आप देखेंगे नौजवान जो है वो दिल से चाहता है कि मेरी तरक्की हो जाए, मेरी जो मैं इतने 70 सालों से जो मैं पिछले बार से आज तक हम ये कहेंगे एक साल से जो हम जूझ रहे हैं 70 सालों से, उससे मैं आज़ाद हो जाऊं। तो ये उसी की खुशी है कि हम उस झंझट से, उन कांटों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए तिरंगा रैली आज टैगोर हॉल से SKICC तक जा रही है।